प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट ए ब्लंडर, तो आप इसको सुधार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ स्टोरी करना कैसे चाहिए, लिखना कैसे चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे कल स्टोरी लिखे थे तो स्टोरी के ऊपर मैं थोड़ी सी आज बातें कर लिया हुआ। सपोज इट इज़ अ स्क्रीनिंग पार्ट, तो अगर मान लीजिए हमें एक इमेज दिखाई जाए, सो हाउ मेनी कैरेक्टर यू आर परसीविंग, टू कैरेक्टर यू आर परसीविंग, तो टू कैरेक्टर में से हमें जो है सर्कल बनाना है उसमें। तो टू सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से अब हमारे पास एक बड़ा ही क्रूशल क्वेश्चन आता है, व्हम शुड वी प्रेफर हीरो, हीरो किसे चुने, किसे हीरो चुनना चाहिए, इसे हीरो चुने या इसे हीरो चुने, क्लियर। ये दो इंपॉर्टेंट क्रूशल क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो हीरो चुनने के लिए मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो हीरो जब भी आप चुने इसमें, तो हमारे पास चॉइस क्या होना चाहिए और हम किस तरीके से हीरो से चुने। मान लेते हैं हम इसको चुनते हैं तो ये एक सिविल यानी कि एक सिंपल बॉय है, और इसको चुनते हैं तो क्या है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, क्लियर। तो अगर हम एक सब्जेक्ट को चुनते हैं, एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट को चुनते हैं इसमें, तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है चैलेंजेस के लिए। यानी कि स्कूल बॉय से रिलेटेड चैलेंजेस क्या होगा, उसको अपने स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना होगा जिसके लिए उसने इनवाइट किया है। मान लेते हैं कोई एकेडमिक फंक्शन होगा उसमें इनवाइट किया है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें इसने, इसके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर वेरी ओपन। लेकिन मान लीजिए अगर हम पुलिस ऑफिसर को एक हीरो बनाते हैं तो इनके पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि पुलिस का रोल क्या होता है, सोशल और सोसाइटी से रिलेटेड अब्यूजेस जिसमें कि थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, उसी के एलिमिनेशन के लिए होगा। तो हम किसी भी प्रोफेशनल को जब हीरो बनाते हैं तो हमारे पास उसके हीरोइज़म के डायमेंशन पहले से ही डिसाइडेड और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जबकि अगर हम किसी सिविल को बनाते हैं यानी कॉमन सब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो ये होगी, दोनों में से हम किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, पुलिस ऑफिसर को बनाते हैं, आर्मी ऑफिसर को बनाते हैं या किसी भी प्रोफेशनल को बनाते हैं, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। यानी कि जो भी हम स्टोरी बनाएं तो उस पोस्ट, उस प्रोफेशन से रिलेटेड टेक्निकल एफिशिएंसी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमने इसको पुलिस ऑफिसर कहा और फिर कहा कि ही इज़ असिस्टेंट कमांडेंट इन बिहार पुलिस, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होगी, देर इज़ नथिंग लाइक असिस्टेंट कमांड पोस्ट इन बिहार पुलिस, इज़ इट क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस के डिमांड करते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसको कहा कि ही इज़ न्यूली रिक्रूटेड पुलिस ऑफिसर और वो इंडिपेंडेंट इंचार्ज है थाने का, तो यहाँ पर भी टेक्निकल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होगी कि एक न्यूली रिक्रूटेड है उसको, तो इंडिपेंडेंट थाना कैसे मिलेगा उसको, वो इंडिपेंडेंट SHO कैसे बन गया। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हम किसी प्रोफेशनल को बनाएं तो उसके साथ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और नहीं होगा तो क्या होगा, स्टोरी टेक्निकल ग्राउंड पर गलत हो जाएगी। जबकि अगर हम किसी ऐसे सिविल पर्सन को यानी एक सिंपल ह्यूमन बॉय को जो कि कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट है, अगर उसको हम हीरो बनाते हैं तो इसके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन लिखें वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें एक सिंपल या नॉन प्रोफेशनल को ही अपना हीरो चुनना चाहिए। ये मैं एक नॉर्मल एडवाइस कर रहा हूँ आपको, अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप इनको भी हीरो चुन सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो भी प्रोफेशनल को चुनते हैं हीरो, वो इस बात को भूल जाते हैं इसमें कि हम इसको चुनने के बाद इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ भी एसोसिएट हों, क्लियर। तो अब मैं दूसरे स्टेज पर बेसिक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा शेयर करूँगा। मान लेते हैं हमारे पास दो गिवन कैरेक्टर्स हैं, एक पुलिस ऑफिसर है और एक सिंपल बॉय है। आउट ऑफ द टू विच वन शुड बी चूजन एज अ हीरो ऑफ आर स्टोरी। जब हम हीरो बोलते हैं तो हीरो का मतलब क्या होता है, एंड वॉट आर द पैरामीटर्स ऑन विच वी सेलेक्ट द हीरो। हीरो मीन्स दैट यू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, नॉट फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट हीरो और यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हीरोइज्म। बट इफ़ यू डू समथिंग फॉर अदर्स बेनिफिट, इट मीन्स दैट यू आर हीरो। नंबर टू पॉइंट, सपोज यू आर डिलीवरिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज और ऑफरिंग्स और द प्रोफेशनल चैलेंजेस ऑफ योर्स, देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड हीरोइज्म। सपोज अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कहते हैं कि वो स्टूडेंट है, उसने मेहनत की और पास हो गया, तो पास होना क्या उसके लिए चैलेंज था, ऑब्वियसली चैलेंज नहीं था। अगर एक पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर ने एक चोर को पकड़ लिया,
तो चोर को पकड़ना उसके लिए चैलेंज है, उसका तो प्रोफेशन डिमांड है ना ये। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है इसमें कि अगर हम हीरोइज्म को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपने कैरेक्टर को चुनना होगा, और चुनने के बाद उसको ऐसे चैलेंजेस देने होंगे जो कि लॉजिकल है और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ना हो। अगर ये हीरो बनना चाहता है तो हमें इसके हीरोइज्म बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस देने होंगे, और इसको हीरो बनाना है अगर हमें तो फिर इसके हीरोइज्म में सोशल क्वालिटीज़ को देना होगा, सोशल इफेक्टिवनेस को देना होगा। तो हमारे दोनों ही कैरेक्टर में क्वालिटीज़ का पैरामीटर डिफरेंट है। इमेज एक है, अगर हमने परसीव किया एक पुलिस ऑफिसर को तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हीरोइज्म का पार्ट होना चाहिए, और अगर हमने एक सिंपल बॉय को किया इसमें तो इसका सोशल बिहेवियर होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसने अपने कॉज के लिए पुलिस के पास गया और उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो फिर ये हीरो कंसीडर नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बेसिक पैरामीटर है जिसमें कि आप लोग स्टोरी बनाते समय गलती करते हैं।